नमस्कार, सांगोद न्यूज में आपका स्वागत है। बीते 5 दिनों से सांगोद में उपखंड कार्यालय के बाहर 5 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी मामले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों बीते 5 दिनों से ये कर्मचारी यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जानकारी के अनुसार बीते 10 माह का बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि उनका बीते 10 माह का वेतन उन्हें दिया जाए, साथ ही यथास्थिति काम पर पुनः बहाल किया जाए। जानकारी के अनुसार ठेकेदार कर्मचारियों को 5 महीने का वेतन का भुगतान करने को तैयार है, लेकिन कर्मचारी 10 माह का वेतन लेने पर अड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये 5 और 10 माह का क्या खेल है, तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पहले बात करते हैं भूख हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के पक्ष की। कर्मचारियों के अनुसार उनको पिछले 10 माह का अपने काम का वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब कर्मचारियों से पूछा गया कि जिस ठेकेदार द्वारा उनको लगाया गया था उसका टेंडर 5 महीने पहले ही खत्म हो चुका है, तो आप उसके बाद भी क्यों काम करते रहे, तो इस पर कर्मचारियों ने कहा कि टेंडर समाप्त होने के समय ठेकेदार द्वारा ना ही हमारा पिछला हिसाब किया गया था, ना ही हमसे काम बंद करने को लेकर कहा गया था। ऐसे में हम लगातार काम करते आ रहे थे। ऐसे में ये कर्मचारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको 10 माह का भुगतान किया जाए व पुनः काम पर यथास्थिति पर बहाल किया जाए। अब बात करते हैं नगर पालिका के पक्ष की। नगर पालिका का पक्ष रखते हुए पार्षद राजेंद्र गहलोत ने बताया कि जो कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं उनसे नगर पालिका का कोई लेना देना नहीं है, नहीं इन कर्मचारियों को नगर पालिका द्वारा लगाया गया था। नगर पालिका में सफाई कार्य के लिए ठेका व्यवस्था है, जिसके तहत ठेकेदार द्वारा सफाई कार्यों के लिए कर्मचारियों को ठेकेदार के स्तर पर ही लगाया जाता है, क्योंकि पिछले ठेकेदार का अप्रैल माह में ठेका समाप्त करके अप्रैल माह तक का भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है। ऐसे में ये मामला अब ठेकेदार व कर्मचारियों के बीच का है, नगर पालिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही हड़ताल के बाद ठेकेदार को बुलाया गया व उपखंड कार्यालय में SDM की उपस्थिति में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को भी बुलाया गया। ठेकेदार अप्रैल माह तक का भुगतान करने को तैयार है, लेकिन कर्मचारी 10 महीने के भुगतान के लिए अड़े हुए हैं। ऐसे में मामले का हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं शुक्रवार को अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के पदाधिकारी भी सांगोद पहुंचे और भूख हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से उनकी समस्याएं जानी। बाद में पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द कर्मिकों को वेतन दिलाने व नहीं देने पर आंदोलन को जिला स्तर व प्रदेश स्तर तक ले जाने की चेतावनी दी है। हमारी मांग ये है कि हम कार्य करते आ रहे हैं 2 साल से, मगर 10 माह से हमारा वेतन नहीं मिला। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हमें 10 माह से वेतन, और हमें नौकरी पे से हटाने की कितनी बार धमकियाँ दे चुके हैं पर वेतन नहीं दे रहे हैं। प्रशासन अधिकारी नहीं आया, SDM साहब ने हमें अंदर बुलाया था। SDM साहब ने अंदर बुलाया था, बोला कि आप किसकी इजाज़त से बैठे हो, करवा देंगे वो अंदर करवा देंगे आप। हमारी मांग यही है कि हमें वेतन मिले और काम पे जाके जाइए, और कुछ मांग नहीं है, हम तो जाके जाए हैं और मांग क्या कहाँ है हमारी अलग। नहीं, हमें नहीं बोला सर। 5 महीने पहले हमने वहाँ नगर पालिका में धरना दिया था, लेकिन धरना के 11-12 दिन बाद में हमें पाबंद करवा दिया गया। यूँ बोला था उन्होंने कि आप चाबियां दे दो, हमने बोला भाई चाबियां दे देंगे, छोड़ देंगे काम, लेकिन हमारा पेमेंट तो दो, लेकिन हमारा पेमेंट अभी तक भी नहीं दिया उन्होंने और हमें पाबंद उत्तीर्ण करवा दिया। नगर पालिका ने ठेकेदार के पूरा पेमेंट कर दिया है इन कर्मचारियों का, और ये कर्मचारी ठेकेदार के नगर पालिका के नहीं है। ये लोग अप्रैल तक का भुगतान प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद भी बार बार ये नगर पालिका के से कहते हैं कि हमारा पेमेंट कराओ। तब कि हमने कहा कि भाई हमने तो ठेकेदार को पूरा अप्रैल माह तक भुगतान कर दिया है, आप मतलब है ना जो वहाँ ठेकेदार से बात करो। हमने ठेकेदार को बुला लिया, ठेकेदार इनको अप्रैल तक का वेतन देने को तैयार है। कल भी SDM साहब ने ठेकेदार को बुलाया, 48 कर्मचारियों को बुलाया, मैं गया और एक दिलीप सेन मेरे साथ था पार्षद, वो भी गया, EO साहब थे, और वहाँ SDM ऑफिस में बैठ के उनके सामने SDM साहब ने सारी प्रक्रियाएं पूछी, तो यही बात फाइनल हुई कि भाई अप्रैल माह तक का भुगतान नगर पालिका ने ठेकेदार को दे दिया है। अब कर्मचारी बार बार कहते हैं कि हमें सितंबर तक का भुगतान करो, तो ठेकेदार ने कहा साहब मैं सिर्फ सितंबर तक क्यों भुगतान करूँगा इनको, क्योंकि नगर पालिका ने मेरा ठेका निरस्त 30 अप्रैल को कर दिया, तो मैं 30 अप्रैल तक ही इनको भुगतान कर सकता हूँ। और भी इसके अलावा
3000 रुपये महीने की बात थी, ये 5000 रुपये महीना मांग रहे हैं, जो गलत है। ठेकेदार ने बहुत समझाया उनको, लेकिन वो लोग नहीं माने। 5000 रुपये महीने की बात पे अड़ गए और हड़ताल से नहीं उठ रहे हैं। ठेकेदार आज भी एचडीएम साहब को पैसा देने को तैयार है, और एचडीएम साहब ने कहा कि ठीक है साहब, मैं आप जब कहोगे जब आपके समक्ष हाजिर हो जाऊँगा और इन कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, आप चाहो तो मेरे से अभी पैसा ले लो। एचडीएम साहब ने भी ठेकेदार से कहा कि ठीक है मैं इनको बुलाती हूँ। तो एचडीएम साहब ने 2 कर्मचारियों को बुलाया, हड़तालियों को। हड़तालियों ने कहा कि नहीं, हम तो 5000 रुपये महीने के हिसाब से 10 माह का भुगतान लेंगे। तो ठेकेदार ने मना कर दिया कि ठेकेदार, एचडीएम साहब ने भी कहा कि जब 30 तारीख को ही ठेका निरस्त हो गया, नगर पालिका ने कर दिया, तो कैसे आगे का देंगे। ठेकेदार के मना करने के बावजूद भी लोग काम पर जाते रहे। गए कि नहीं गए, इन्होंने सोचा लिया कि सारी व्यवस्थाएँ बिगाड़ रखी है, वहाँ ताले लगा रखे हैं और लोग सोच करने के लिए आते हैं तो वहाँ ताला लगा मिलता है, लोग वापस चले जाते हैं। लोगों को जानकारी नहीं होने के अभाव में वो नगर पालिका में आते हैं, और हम कहते हैं कि भाई इन 5 कर्मचारियों ने 5 शौचालयों की व्यवस्था बिगाड़ रखी है। सारा मामला एचडीएम साहब के सामने है, खुली बात है, एचडीएम साहब को सारी प्रक्रिया याद है। नगर पालिका ठेकेदार को भुगतान कर चुकी है, अब ठेकेदार का और नगर पालिका को कोई लेना देना नहीं है, नगर पालिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई पैसा शेष नहीं है। आप लोगों की इस मामले पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें। इसी प्रकार की तमाम खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सांगोद न्यूज लाइव ऐप, तथा सब्सक्राइब करें सांगोद न्यूज का यूट्यूब चैनल, साथ ही लाइक करें सांगोद न्यूज का फेसबुक पेज। धन्यवाद।